कोरोना वायरस को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का असर गोड्डा जिला मुख्यालय सहित जिले के पथरगामा, मेहरमा, ठाकुरगंटी, बड़िया हाट, गोड्डा सहित सभी प्रखंडों में देखा गया। सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को खुलकर समर्थन किया। दुकानदार एवं व्यवसायियों ने भी बढ़ चढ़कर जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में भरपूर सहयोग किया। जिले के ग्रामीण बाजार देवदार एवं सरोनी में भी बंदी का व्यापक असर देखा गया। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा यह स्वनियंत्रित अभियान सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया यह अभियान कोरोना वायरस के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लोग अपने अपने घरों में बंद है। पता है आपको कि आज नहीं जाना है, आज नहीं निकलना है? अरे बहुत लोग निकल रहा है। नहीं, बहुत लोग निकल रहे हैं, आपको पता नहीं था? हमको पता था, पता था, लेकिन फिर आपको तो पालन करना चाहिए ना। कहाँ जा रहे हैं सर? जरा चौक पर जा रहे हैं। कुछ आज तो दुकान बंद नहीं हुई, आज तो सब दुकान बंद है, कैसे आज क्या करेंगे चौक पर जाके? काम है। काम तो कम से कम आज तो रुकना चाहिए ना। हाँ, रुकने का तो रुके हुए ही हैं, व्यायाम से निकले ही नहीं। चलिए आगे आपकी इच्छा। थॉमस सोरेन। थॉमस सोरेन, आज देख रहे हैं कि हटिया बंद है, क्या उसके पहले कभी बंद हुई थी? नहीं, इसके पहले तो कभी नहीं बंद हुई थी। आज बंद है, सारी दुकान बंद दिख रहे हैं? सारी दुकान बंद है। तो कैसे क्या लग रहा है आपको इससे? आज जो नरेंद्र मोदी जो अपना ही लगाए हैं कोरोना वायरस लेके, तो उसमें सब आदमी अपना समर्थन दे रहे हैं, तो इसलिए सब आदमी सन्नाटा लग रहा है बाजार में। काफी सन्नाटा लग रहा है, तो आपको कैसे महसूस हो रही है, क्या महसूस हो रही है इसमें? अच्छा महसूस हो रहा है कि आदमी स्वस्थ है, इसलिए ये है, बढ़िया लगेगा सब। क्या उसमें कोई हानि भी हो रही है क्या? नहीं, हानि तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आदमी को अपना स्वास्थ्य के लिए ही रखना है। तो आप देख रहे हैं कि मास्क नहीं लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा या आपको अपील किया गया है कि मास्क भी लगाया, सभी घर पे रहे, तो आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अभी हम लोग क्या ऐसे बाहर निकले हैं तुरंत, अभी घर में थे दिन भर के लिए। और मेरे साथ एक सहयोगी खड़े हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित कुमार खान है। अच्छा, आज देख रहे हटिया बंद है, क्या महसूस आपको, कैसे महसूस हो रही है? ये हटिया बहुत ही प्राचीन और बहुत ही आधुनिक हटिया है जी। हमारे ख्याल से हम जब तक देखे हैं कि ये हटिया आज तक बंद नहीं हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू के दौरान ही ये हटिया बंद है। और ये हमारे यहाँ के जनता, हमारे यहाँ के व्यापारी और दुकानदारों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। हम उस देवतुल्य जनता का आभारी है जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू का आदर किए हैं, मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज हटिया बंद है, तो क्या उसमें कोई क्षति हुई है क्या? देखिए, व्यापारी के लिए और ऐसे जनता के लिए तो कुछ क्षति है, लेकिन शारीरिक रूप से ये बहुत ही अच्छा कदम उठाए हैं। आप भी दुकानदार हैं जी, तो आपको कुछ क्षति हुई? देखिए, ऐसा तो क्षति हुआ है, लेकिन शारीरिक रूप से ये बंद ही है, तो बहुत ही अच्छी वाली बात। इससे पहले कभी और बंद हुई थी क्या? नहीं, उससे पहले कभी बंद। आज पहली बार ऐसी है, तो कैसा महसूस लग रहा है? महसूस बहुत अच्छा हुआ, आपका जनता कर्फ्यू का सबको सहयोग किया है, मिलजुल के भाग लिए हैं, बहुत अच्छी वाली बात है। प्रधानमंत्री द्वारा बोला भी गया है कि अपील भी किया गया है कि घर पे वे कोना पे कहीं कि थाली बजाए, ताली बजाए, देवी देवता का नाम लें, क्या उसमें आप क्या कीजिएगा ऐसा? जी जी, 5 बजे हमारे यहाँ भी सब कोई थाली, कोई घंटी, कोई शंख इत्यादि बजा के हमारे देश में जो हमारे सेवा के लिए है, हम उसको आभार प्रकट करेंगे। और प्रधानमंत्री के साथ सहमत है या नहीं? जी, मैं प्रधानमंत्री का 100% सहमत हूँ। मेरा कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और वो हटिया भी दिखाई दे रहे हैं, कि तो दिखाएं। देखिए, देवड़ा बाजार पूरा सन्नाटा है। कोरोना वायरस को लेकर जनता कर्फ्यू पूरा लागू है। ये देखिए दुर्गा मंदिर रोड, ये मुख्य चौराहा, ये हो गया पानी पोखर सड़क, चारों तरफ दुकानों भी बंद है। छिटपुट एक दो आदमी दवा के लिए अपने जा रहे हैं।